A new chapter in mathematics for class 10, that is chapter 5, arithmetic progression. Arithmetic progression क्या होता है? You have been observed in nature many things. आप nature में बहुत सारी चीज़ें जो हैं observe करते हैं जिनका एक certain pattern होता है. आप nature में बहुत सारी चीज़ें ऐसी observe करते हैं जिनका एक क्या होता है सर्टेन पैटर्न होता है. सच एज पेटल्स ऑफ ए सनफ्लावर, ग्रेन्स ऑन ए मेज कॉब, स्पायरल्स ऑन ए पाइनएप्पल. तो ये एग्जांपल्स हैं पेटल्स ऑफ ए सनफ्लावर, द ग्रेन्स ऑन ए मेज कॉब. जो आप फसल देखते हैं कि वो फसल जो लगी होती है वो एक पैटर्न में लगी होती है, और जो पाइनएप्पल के ऊपर जो स्पाइरल्स बने होते हैं वो भी क्या होता है एक सर्टेन पैटर्न में होते हैं. अब हम इसको एक जो सर्टेन पैटर्न में होते हैं वो क्या होती है एक सीरीज होती है. उस सीरीज को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड. रीना ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हो गई है. शी हैज़ बीन ऑफर्ड ए जॉब विद ए स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 8,000. तो उसकी मंथली स्टार्टिंग सैलरी कितनी है 8,000, और हर साल ख़त्म होने के बाद उसका इंक्रीमेंट कितना लग रहा है 500 लग रहा है उसकी सैलरी के ऊपर. तो उसकी जो फर्स्ट ईयर की सैलरी जब होगी कितनी होगी, जो स्टार्टिंग सैलरी थी उसकी 8,000 थी, उसके बाद जब उसको इंक्रीमेंट लगा 8,000 के ऊपर 500 का तो उसकी सैलरी होगी 8,500. फिर 8,500 के ऊपर इंक्रीमेंट लगा थर्ड ईयर में 500 रुपये और तो उसका सैलरी हो गया थर्ड ईयर में 9,000. तो देखिए ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. पहले 8,000, फिर इंक्रीमेंट लगा 8,500, फिर दोबारा इंक्रीमेंट लगा फिर 9,000. ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. इस सीरीज को जो हम दिखा रहे हैं ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है एक पैटर्न में हो रही है, इसलिए इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ ए लैडर. ये हमारे पास क्या है एक लैडर है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं रंग्स बोलते हैं, और जो रंग्स हैं लैडर की वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली बाई 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. अब बॉटम की जो लेंथ है वो कितनी है 45 सेंटीमीटर, अब डिक्रीज कितनी हो रही है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हुई 43, फिर दोबारा 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हुई 41, फिर दोबारा 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हुई 39, फिर दोबारा 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हुई 37. तो ये क्या फॉलो हो रहा है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. ठीक है, हर बार 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी जो लेंथ है लगातार 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या है एक पैटर्न फॉलो कर रही है. तो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ये जो सीरीज आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट कर रही है, ये बॉटम से शुरू हुआ 45, फिर 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ 43, फिर 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ 41, फिर 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ 39, फिर 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ 37. इसी तरह से ये पैटर्न जो है एक फॉलो होता जा रहा है. इस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह. फिर उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमने एक्सप्लेन करना है. कंसीडर फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स. अब ये फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 100, 70, 40, 10, -3, -2, -1. अब ये हमारे पास क्वेश्चन है. ये जो हर नंबर है एवरी नंबर 1, 2, 3, 4 या 100, 70, 40, 10, -3, -2, -1, 0, ये सब नंबर्स क्या है टर्म्स है. इस लिस्ट में हर नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भी एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. तो ये हर टर्म हर नंबर एक सीरीज में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम टर्म बोलते हैं. इन ऑल द लिस्ट अबव वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड by adding a fixed number to the preceding term. Such list of numbers is said to form an arithmetic progression. जैसे कि अब हम एक example लेते हैं 1, 2, 3, 4. एक fixed number, एक ऐसा fixed number जो
जैसे कि टू को वन के साथ माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। थ्री को टू में से थ्री माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। फोर माइनस थ्री करेंगे तो वन आएगा। तो ये वन है क्या, ये कांस्टेंट नंबर है, फिक्स्ड नंबर है। वी आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। अब हमने क्या किया, वन के साथ एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया तो क्या आ गया, टू। टू के साथ एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया तो आ गया थ्री। थ्री के साथ एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया तो फोर आ गया। तो हमने एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना है टू द प्रिसीडिंग टर्म, तो ये जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिक्स्ड नंबर जो ये हमने लिया है वन, जो माइनस करके आ रहा है, ठीक है, ये फिक्स्ड नंबर है क्या, ये है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। और आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये जो कॉमन डिफरेंस है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगर देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ वन 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 वन, तो वन माइनस वन करेंगे तो फिक्स्ड नंबर क्या आ गया, जीरो। वन माइनस वन करेंगे तो क्या आ गया, फिक्स्ड नंबर जीरो। वन में से वन माइनस करेंगे तो फिक्स्ड नंबर आ गया जीरो, ठीक है। तो ये जीरो क्या है, फिक्स्ड नंबर, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और हमेशा आपने याद रखना है कि सेकेंड टर्म, हमेशा जब आपने माइनस करना है तो सेकेंड टर्म को पहले रखना है, फर्स्ट टर्म को बाद में रखना है। अगर आपने यहां में से माइनस करना है तो पिछली टर्म पहले रखनी है और पहले वाली टर्म बाद में रखनी है। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपीए। जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने ए मान लिया, कहते लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए वन। सेकेंड टर्म कहता ए टू है और थर्ड nth टर्म जो है हमारे पास क्या है, ए एन है, उसको कैसे लिखेंगे। और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। ए टू माइनस ए वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ए थ्री माइनस ए टू करेंगे तो डी आ जाएगा। ए एन माइनस ए एन माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। तो ए वन ए टू ए थ्री ए एन ये टर्म्स हो गए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए टू माइनस ए वन इक्वल टू डी, ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू डी, ए एन माइनस वन इक्वल टू डी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस, दैट इज फिक्स्ड नंबर। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है ए सिक्स और कॉमन डिफरेंस है डी थ्री। अब आपको क्वेश्चन में चाहे गिवन दे दिया कि आपके पास फर्स्ट टर्म है सिक्स, कॉमन डिफरेंस है थ्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना के दिखाओ आप कैसे बनाओगे। तो वो कैसे बनेगा, फर्स्ट टर्म को हम लेंगे सिक्स, कॉमन डिफरेंस क्या है थ्री, सिक्स प्लस थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, नाइन। कॉमन डिफरेंस क्या है थ्री, नाइन प्लस थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वेल्व। कॉमन डिफरेंस क्या है थ्री, 12 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। तो ये बन गई हमारी एपी। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। तो हमने क्या करना है, एक तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, 6 प्लस 3 कर सकते हो तो 9 आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसा कौन सा नंबर लूं जिससे मैं 6 माइनस करूं और 3 आए, तो डेफिनेटली मैं 9 लूंगा। 6 के बाद 9 ही आएगा, जिससे मैं माइनस करूंगा तो 3 आएगा। 9 के बाद ऐसा कौन सा नंबर लूं जिसमें से मैं 9 माइनस करूं और 3 आए, दैट इज 12। तो ये कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, आपने एपी बना के दिखानी है। अब जैसे एग्जांपल गिवन है फॉर द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सीरीज हमें गिवन है। कहता फर्स्ट टर्म बताओ कौन सी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है, 3/2। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 1/2 माइनस 3/2 करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस तो यही होगा ना, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, यही होता है कॉमन डिफरेंस। होता क्या है, ए टू माइनस ए वन, सेकेंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकेंड माइनस, लास्ट में से उससे वैल्यू माइनस। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस की, इसमें से एलसीएम आ गया 2, तो एलसीएम लेने के बाद आएगा 1 माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 2/2, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज माइनस 1। तो डी हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। Which of the following list of numbers form an AP? इनमें से कौन से numbers arithmetic progression बनाते हैं? अगर वो बनाते हैं तो उसकी next two terms भी बतानी है, मतलब जैसे चार terms है हमारे पास, अगली दो terms भी बनानी है। वो तभी बनाएंगे अगर हमारे पास पता चलेगा कि हाँ ये arithmetic progression को follow कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, अगर आपका common difference same आ रहा है तो वो AP है, अगर common difference same नहीं आ रहा तो वो एपी नहीं है। अगर सेम आ रहा है तो एपी है, तो अगली दो टर्म्स बतानी है। अगर नहीं आ रहा तो उसको वहीं खत्म कर दो कि इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। जैसे कि फर्स्ट देखते हैं, 4, 10,
16, 22 इज गिवन। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 4, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 10 माइनस 4, ए टू माइनस ए वन होता है ना, ए टू क्या है सेकेंड टर्म, ए वन क्या है फर्स्ट टर्म, 10 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। उसी तरह से ए थ्री माइनस ए टू करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 10, ये भी क्या आ रहा है 6। उसी तरह से ये वाली माइनस करेंगे ए फोर माइनस ए थ्री दैट इज 22 माइनस 16, ये क्या आ रहा है 6। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, द गिवन सीरीज फॉर्म एन एपी एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स, नेक्स्ट टू टर्म कौन सी होंगी, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 6 है, तो कॉमन डिफरेंस अगर 6 है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमन डिफरेंस 6 ऐड कर दिया, 22 प्लस 6 क्या हो जाएगा 28, 6 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 34, तो नेक्स्ट टू टर्म्स आर 28 एंड 34। ओके, सेकेंड पार्ट चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। अब चेक करना है कि ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा, वो कैसे पता चलेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो बना रहा है, अगर नहीं सेम आ रहा तो नहीं बना रहा। फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस माइनस 1 माइनस 1, ए टू माइनस ए वन, आप ऐसे लिखो ए टू माइनस ए वन माइनस 1 माइनस 1 दैट इज माइनस 2, फिर लिखेंगे ए थ्री माइनस ए टू दैट इज माइनस 3 माइनस माइनस 1 दैट इज माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2, ए फोर माइनस ए थ्री माइनस 5 माइनस माइनस 3 माइनस 5 प्लस 3 दैट इज माइनस 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, इट फॉर्म्स एन एपी एंड देन नेक्स्ट टू टर्म्स आर, नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी होंगी, तो कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस 2 है, ठीक है, माइनस 5 माइनस 2 क्या आएगा माइनस 7, माइनस 7 माइनस 2 क्या आएगा माइनस 9, तो ये क्या बन गई, नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास आ गई माइनस 7 एंड माइनस 9। थर्ड चेक कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन इज थर्ड, माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 दैट इज माइनस 2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा ए टू माइनस ए वन, क्या आएगा 2 माइनस माइनस 2 दैट इज 4 आ गया, ए थ्री माइनस ए टू करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 माइनस माइनस 2 दैट इज माइनस 4। अब एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट डज नॉट फॉर्म एन ए पी, इट डज नॉट हैव ए पी, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 1, अब ये आपने चेक करना है, यहाँ पे 1 माइनस 1 करोगे 0 आएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, तो ये भी एपी नहीं बना रहा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये क्या है एपी नहीं है। तो फर्स्ट टू टर्म्स एपी हैं और ये दोनों एपी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज की एग्जांपल्स कंप्लीट होती हैं। थैंक यू।